सहरसा में इस वक्त हम हैं और हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी आलोक रंजन जी हैं जो क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज कई बड़े नेताओं की भी रैली इस क्षेत्र में हुई है। आलोक रंजन जी से जानेंगे, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी है। आलोक जी, मोदी जी भी आए, तेजस्वी भी आ रहे हैं और अन्य नेता भी संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में क्या दौर चल रहा है, आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? देखिए, इस सहरसा विधानसभा में जनता हम लोगों से आगे चल रही है और जनता का विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी पर है और इसी का परिणाम दिखाई पड़ा कल जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सहरसा के धरती पर आए तो लाखों लोगों की जो भीड़ थी और जिस प्रकार का लोगों का के अंदर उत्साह था वह देखने से लगता था कि सहरसा विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और भारी बहुमत से सहरसा विधानसभा की जीत होने वाली है। बिहार चुनाव अपने चरम पर है, 2 दिन का वक्त आप लोगों को प्रचार का बचा हुआ है, ऐसे में हर जगह घूम लिए हैं तकरीबन, अन्य हर जनता से आप लोग रूबरू हो चुके हैं, जनता का मूड किस ओर जा रहा है? बहुत लोग कह रहे हैं कि नाराजगी है और अन्य पार्टियों से भी, चाहे लवली आनंद जी हो या आलोक जी से भी, कुछ लोग बता रहे हैं कि नाराजगी है। नहीं, देखिए, लोग जो कह रहे हैं वो दृश्य आपको दिखाई देगा, जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ता में है, जिस प्रकार का उत्साह जनता के बीच है। जनता सीधी जानती है कि हमको बिहार में एनडीए की सरकार बनाना है और एनडीए के प्रत्याशी जो भी हैं उसके साथ जनता है, इसलिए उसमें कोई नाराजगी की बात नहीं। हम तो जा रहे हैं, लोग तो इतना प्रसन्न होते हैं, हम लोग को देखते हैं तो इतना प्रसन्न होते हैं, कहते हैं आप मोदी जी के पार्टी से आए हैं, हम लोग मोदी जी को देखते हैं और आप तो, हम तो इससे पहले भी 5 साल रहे हैं, बीच में नहीं भी रहे हैं और लगातार 10 साल से हम जनता के बीच हैं, तो नाराजगी का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता, कोई नाराजगी नहीं है। आलोक जी, क्या संदेश रहेगा सहरसा की जनता को इस बार इस चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ साथ एक अच्छे प्रत्याशी के चुनाव के लिए? नहीं, देखिए, जनता को कल आदरणीय मोदी जी ने सारी बातों से अवगत कराया है कि बिहार में एनडीए की सरकार क्यों आवश्यक है और जनता समझ रही है कि हमको बिहार में, और ये भी जनता जान रही है कि हम जरा सा चुकेंगे तो बिहार में फिर वही 15 साल पुरानी वाली सरकार जो थी हम लोगों के 15 साल से पहले, वही सरकार लौट जाएगी और वह सरकार का काल जब भय लोगों को याद आता है ना, उस भयावहता जैसे ही उसके अंदर में आता है वो उसको लगने लगता है कि फिर बिहार कहीं उसी अति में दौर में ना चला जाए, इसलिए यहाँ का युवा, यहाँ का की महिला, यहाँ का बुजुर्ग सबके मन में है कि एनडीए के सरकार को बनाना है और इसके लिए सब लोग 7 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल करके, इस बार का प्रतिशत पिछले बार के कई दौर से ज़्यादा प्रतिशत होने जा रहा है, इसलिए कोई कहीं कोई कठिनाई नहीं है। सर, क्या मैनिफेस्टो और क्या मुख्य एजेंडा रहेगा यहाँ अगर चुनाव में जीत मिलती है आपको? तो हम लोग पहले बता दिए हैं कि सहरसा में जो भी काम 2010 और 15 में, हम 10 से 15 तक MLA रहे थे, बहुत काम यहाँ शुरुआत किए थे सहरसा में, जाम की समस्या का, सहरसा में आपको ड्रेनेज सिस्टम का और कई समस्याएं थी, ऐसा जैसे आप सहरसा में एयरपोर्ट का, सहरसा के हॉस्पिटल को अच्छा बनाने का, बहुत सारी काम है जो काम शुरू किए थे। बीच के कालखंड में जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे वो जनप्रतिनिधि को किसी चीज़ से मतलब नहीं था, सरकार कुछ दिन उनकी सरकार भी रही, वो सरकार में रहे, सरकार से टूटने के बाद भी ना सरकार में रहने पर कोई प्रयत्न की, ना हटने के बाद उनका कोई, जनप्रतिनिधि जब जनता चुन के भेजती है तो उसका काम होता सरकार को ही रहे उस काम को आगे बढ़ाने का, लेकिन वो कोई बढ़ाने का काम नहीं किया, इस कारण से सहरसा को जो कुछ बड़ा बड़ा काम करना था वो नहीं हो सका, जिस काम को यह समय है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में है, आदरणीय नीतीश कुमार जी नीचे में रहेंगे और प्रधानमंत्री जी भी कल कहे कि बिहार को डबल इंजन चाहिए, तो वो डबल इंजन जब मिलेगा तो बिहार का विकास और बिहार के विकास के साथ सहरसा का विकास
उसी रूप में होगा। झा साहब आपने कीमती खेल दिया इसके लिए धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे आलोक रंजन जी से, भाजपा प्रत्याशी है और इनका मानना है अगर 15 साल वाला वही पुराना जंगल राज आपको नहीं चाहिए तो भाजपा नेतृत्व एनडीए सरकार को चुनिए और नीतीश जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाइए ताकि ये डबल इंजन सरकार बिहार के विकास में अपना डबल योगदान दे पाए। आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। आप तमाम